तस्वीर आप बिल्कुल देख सकते हैं, बड़ा मतलब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं आज कैटेगरी के इंप्लॉयज एसोसिएशन अपनी मांगों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। करवा चौथ कल था और हमें बड़ी उम्मीद और आशा थी कि जरूर जितने भी ये माइनॉरिटी इम्प्लाइज हैं इनकी सैलरी जो है निकाली जाएंगी, लेकिन करवा चौथ चला गया और अब जब दीपावली है 24 को आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जितने भी माइनॉरिटीज हिंदू एम्प्लाइज हैं, अल्पसंख्यक कर्मचारी कश्मीर में जो काम करते थे, जम्मू के रहने वाले, अगर दीपावली है जो कि हमारा सबसे बड़ा पर्व है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पर्व हमारे लिए है, दीपावली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, और अगर इस पर भी सैलरीज को रिलीज ना किया गया तो आप सोच सकते हैं फिर संवेदनहीनता किस हद तक है। कम से कम दीपावली जैसे पर्व पर सैलरी हमेशा रिलीज की जाती है, पहले भी हुआ है और हम आशा करते हैं कि इस बार भी होना चाहिए। हमने ये आग्रह किया था कि कम से कम करवा चौथ के ही उपलक्ष्य में सैलरीज को रिलीज किया जाए। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरीज बंद है, किसी की 4 महीने की बंद है, किसी की सितंबर की सैलरी नहीं निकली है, किसी की 2 महीने से बंद है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इन कर्मचारियों को एक राहत की जो ये बात है इनको दी जाए। इस ऐसी स्थिति में जब आप हम यहाँ धरने पे बैठे हैं एक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो कि हमारी बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है, और ऐसी स्थिति में अगर सैलरीज बंद की जाती हैं और साथ में सैलरीज बंद करने की बात अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करता है और उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन उस DDO को लेनी पड़ेगी। देखिए, उन्होंने वो यहाँ पर आए थे, लंबी चर्चा हुई है और उन्हें बिल्कुल आश्वासन दिया कि जो आपकी मांग है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो कम से कम उसके लिए घर वापसी का रास्ता खुलना चाहिए। तो उसी डिमांड को लेकर जो कि हम यहाँ पिछले 135-136 दिन से बैठे हैं, इसके बावजूद मैं ये भी कहूँगा अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहा गया है कि आप इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी के लिए रिपोर्ट रिकमेंडेशन दें, तो मैं मानता हूँ कि अगर ये डिमांड जस्टिफाइड है, यहाँ राजनीतिक दल कहते हैं, सिविल सोसाइटी कहती है, कर्मचारी वर्ग कहता है और प्रशासन भी इस चीज़ को मानता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगना चाहिए था। 136 दिन बहुत समय है, एक एक दिन जो हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं ये हमारी पीड़ाओं में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। अगर हम प्रशासन का हिस्सा हैं तो कम से कम प्रशासन को हमारे दुख का इलाज करना चाहिए। देखिए, मांगे ना पूरी करने का प्रश्न नहीं उठता है, ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए एक जस्टिफाइड डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन है। हम अगर 136 दिन यहाँ बैठे हैं ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, और अगर ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लाती है, नोटिफिकेशन लाती है, तब जाके इन कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा, और अगर ऐसी स्थिति में ट्रांसफर पॉलिसी में ये डिले किया जाएगा, तो जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन सरकार नहीं लाएगी तब तक ये धरना इसी तरीके से पीसफुल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो चला रहे हैं ये चलता रहेगा। धरना तब तक चलेगा जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन प्रशासन नहीं लाता है। अगर प्रशासन ने इस बात को माना है कि आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, कैडर मैनेजमेंट किया जा सकता है, मैंने पहले भी कहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं है? अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में
तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? तराजू के दोनों पलड़े भारी होते हैं, बराबर होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान रामचंद्र जी जो थे उनको 14 वर्षों का वनवास था, हम कर्मचारियों को 15 वर्ष हो चुके हैं। हम चाहते हैं इस दीपावली के उपलक्ष्य में, जो दीपावली आ रही है, प्रशासन हमें सबसे बड़ा जो तोहफा यही दे सकती है कि इस दीपावली तक हमारे ट्रांसफर पॉलिसी नोटिफिकेशन लाएं। जैसे ही ट्रांसफर पॉलिसी नोटिफिकेशन आएगी, हम समझेंगे उस वक्त कि हमारा 15 वर्षों का वनवास जो है समाप्त हो गया। ट्रांसफर पॉलिसी कोई उतनी बड़ी बात है नहीं। हम कोई किसी से प्रमोशन, कोई DA, कोई HRA नहीं मांग रहे हैं, कोई आउट ऑफ टर्न ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो सरकार के प्रशासन के लिए मुश्किल हो। ट्रांसफर पॉलिसी एक रिक्रूटमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। हमारे भारत के संविधान में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े बदलाव देखे, बहुत सारे कानून बदले गए हैं। एक राज्य को UT में बदला गया है, तो जम्मू कश्मीर अगर UT बनी है तो मुझे लगता है कि UT प्रशासन इसको देखे कि ये मांग जो पिछले 10-12 सालों से चल रही थी, आज की स्थिति ऐसी है किसी भी कर्मचारी के पास अक्सर हम देखते हैं कश्मीर में रहने के लिए कोई प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को वहाँ बुलाते हैं तो मुझे ये कहते हुए बड़ी हैरानगी हो जाती है, जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ पर, इनके पास अकोमोडेशन कहाँ पर है वहाँ पर, यहाँ से जाकर उनको सड़कों पर बैठना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ेगा, वहीं ये बैठ सकते हैं। जिन लोगों के घरों में हम रहते थे, आज की स्थिति में वो खुद डर गए हैं, उनको खुद कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर हम उनके घर में रहेंगे तो हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटना घट जाती तो जिम्मेवारी उनकी बनेगी। हम कर्मचारियों के पास कोई इस वक्त कश्मीर में रहने को जगह है नहीं, तो हम ये आग्रह करते हैं कि जब तक प्रॉपर एकोमोडेशन का बंदोबस्त ना हो, प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर ना किया जाए, तब तक तमाम कर्मचारियों की सर्विसेज को जम्मू डिवीजन में लिया जाए। और जो कर्मचारी पिछले इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए। धन्यवाद।